प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ स्कॉच कॉफ। क्या है ये नेचुरल लाइट ब्राउन कलर और कैसे 1 रुपए में मुझे मिली? वीडियो पूरे एंड तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हेयर कटिंग के पहले मैं यहाँ पर करने वाली हूँ अपने बालों को कलर, जो कि नेचुरल ब्राउन कलर है। और ये देख सकते हैं स्कॉच कॉफ की है 50। और ये इसमें सारी जो जो पाउचेस दिए हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं, आफ्टर 3 वीक्स ट्रीटमेंट है। और तुरंत उसके लिए भी क्रीम है, ये डेवलपर क्रीम है इसमें। तो मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो डेवलपर है इसको ओपन करके इसके अंदर ही जो क्रीम है मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वैसे ही दिया था। जो मैंने पहली बार ही से यूज़ कर रही हूँ, मुझे खुद को डर लग रहा था मेरे बाल ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। वैसे मुझे एक चीज़ था कि मैं, चलो भाई मुझे अपने बालों की हेयर कटिंग करनी है तो मैं अब थोड़ा सा हेयर कलर भी कर ही लेती हूँ। हाँ सॉरी, मुझे कोल्ड हुआ है। और तो फिर मैं यहाँ पे इसमें डेवलपर में ये क्रीम जो है कुछ इस तरह से पोर कर रही हूँ और फिर इसको शेक करना रहता है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं। अभी मेरे आप बाल देख सकते हो, मैंने बाल पहले धोए थे अच्छे से उसको, और थोड़े बहुत ग्रे हैं मेरे हेयर। मेरे तो बालों में मेरी जो नेचुरल कलर है वही मुझे पसंद आती है। अच्छे से बालों को मैं कोम करूँगी और मोटे दांत वाली मैंने कंघी लिए हैं। और इतने लंबे बालों पे जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे भी कुछ दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने कर लिया था। तो देख सकते हो थोड़े बहुत ग्रेज हैं, और कैसे कवर करता है वो आप एंड में भी आप देख लेना, ठीक है? तो ये ब्राउन कलर है और ग्रे कलर पे कैसा दिखेगा, मीन्स वाइट कलर पे ग्रे कैसा कलर आएगा, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी आगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरे ग्रेज हेयर आप देख सकते हो। और चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को लगाना। बस उसमें वो जो क्रीम होती है वो डालना होता है, वो डेवलपर में शेक करके उसे अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर देना होता है। तो ये देखिए मैंने अगेन इसे शेक कर रही हूँ। और बाल आपके ना एकदम क्लीन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी तेल वगैरह आपने लगा लिया तो वो नहीं चलता है इस पर। मैंने सारी चीज़ें इसमें इंस्ट्रक्शन रीड कर ली थी सबसे पहले। और ये देखिए मैं ग्लव्स में भी यहाँ पे भूल गई हूँ, अभी मैं ग्लव्स भी वेयर कर लूँगी। सबसे पहले आपको ग्लव्स वेयर करना है। और मेरे पास एक कोम थी जो एकदम बारीक दांतों वाली थी, तो मैंने उसके ही हेल्प से अपने बालों में सेक्शन वाइज इस क्रीम को मीन्स अप्लाई किया। तो चलिए अभी आप लोगों को ये भी मैं पूरा दिखा देती हूँ। तो देखिए कोम के ऊपर भी मैंने लगा लगा करके कुछ इस तरह से इसे अपने बालों पे एप्लीकेशन किया है। तो ये भी थोड़ा सा एक अच्छा ट्रिक है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो कैसे होता है, जब भी आप कोम में लेकर के करते हैं तो ये इजीली अप्लाई हो जाती है, ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। और मैं यहाँ पे अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने ग्लव्स क्यों नहीं पहना। अब मैंने ग्लव्स पहन लिया है जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसे कोम के हेल्प से पूरा अच्छी तरह से सेक्शन वाइज आप इसे लगाइए घर पर ही। देखिए आप अगर पार्लर नहीं जाना चाहते हो, घर पे ही इसे इजीली आप कर सकते हो। इसीलिए तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप घर बैठे भी अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन कर सकती हैं। तो आपको पार्टीशन करना है, सेक्शन छोटे छोटे पार्टीशन करते हुए ही आप अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन करोगे। तो अगेन कोम में ही लगा लगा करके मैंने इसे अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स इसे ईजीली अप्लाई कर सकते हो आप घर पे ही। तो मैं यहाँ पे कंफर्टेबली नहीं हो रही थी तो मैंने यहाँ पे अपने हाथों से भी इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ग्लव्स पहनना तो आपको कंपलसरी है, बस कोम आपको लेना है अच्छी तरह से। पूरे बालों पे मैंने इसको लगा लिया था, लगाते लगाते मुझे लगता है ये मुझे हाफ एन आवर तो हो ही गए थे हाथों पर भी लेके पूरे अच्छे से रूट से पूरे बालों पर मैंने इसे अप्लाई किया। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में। मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे ये 1 रुपए में पड़ी है स्कॉच कॉफ की 50 लाइट नेचुरल ब्राउन कलर है ये कलर स्पेशलिस्ट। और इसके अंदर का जो लास्ट आफ्टर 1 मंथ के बाद जो हमें करना होता है ना बालों पे, वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, इसके अंदर ही रखी हुई है। तो दोस्तों मैं सब आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मुझे ये 1 रुपए में कैसे मिला। जैसे कि आप मॉल में शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो फिर मेरी कुछ शॉपिंग लिस्ट हो चुकी थी 5000 के अराउंड। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट बाय कर लीजिए जो कि आपको 1 रुपए में पड़ेगी। मीन्स बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे शुगर था, हेयर कलर था, हेयर एक्सेसरीज थे और बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। बट फिर मैंने सोचा कि मैं क्या लूँ, तो वैसे आप लोग जानते ही हैं। तो मैंने ये हेयर कलर लिया और मैंने आप लोगों को सीरियसली ये बताने के लिए लिया है कि ये कितना वर्क करता है, वर्क करता है कि नहीं करता है, और ये 1 रुपए में कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स तो नहीं है। तो ये जानने के लिए मैंने बोला चलो इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं और आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू भी मैं शेयर कर दूंगी। तो यूज़ तो मैंने कर लिया है बट मुझे इतना अच्छा रिस्पांस पता नहीं क्यों नहीं मिला। कुछ हो सकता है कि रेशो में कुछ कमी हो सकती है मेरे, तो इसके वजह से शायद से ये वर्क नहीं किया।
तो ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा जो कलर देखने के लिए मिला है अपने बालों में वो काफ़ी अच्छा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो नेचुरल लग रहा है मेरे हेयर के कलर। वैसे ज़्यादा बाल तो मेरे सफ़ेद तो नहीं थे, थोड़े बहुत बाल मेरे जो सफ़ेद है आगे की तरफ से, आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत तो कवर हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स आज की मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं DIY होम रेमेडीज पे ही वर्क करते रहती हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ तो वही चीज़ें मेरे मुँह से निकलती है। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएगा। अगर आप ऐसे ही बहुत सारे कलर्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर इसका रिव्यू शेयर करूँगी। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे एंड लव योर।